आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ाई पनीर की रेसिपी। अगर आपको बाहर जैसा टेस्टी कढ़ाई पनीर बनाकर खाना है तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको नई टिप्स के साथ रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल में घर पे कढ़ाई पनीर बनाना बताऊंगी। आप मेरी एक एक टिप्स को फॉलो करते जाइए और बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार कढ़ाई पनीर बनके तैयार होगा। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। अब इसके अंदर मैं साबुत धनिया ऐड कर देती हूँ, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 6-7 काली मिर्च, 4 सूखी हुई लाल मिर्च। खड़े मसाले को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। मसाले को ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मसाला ठंडा हो रहा है तब तक मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने सेम कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, 1 कटा हुआ प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 कटे हुए टमाटर, थोड़े से काजू, थोड़े से मैंने खसखस के बीज लिए हैं और इसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया है। खसखस के बीज महंगे आते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह खरबूजे का बीज भी डाल सकते हो। थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इसे टमाटर गलने तक पकाना है। टमाटर अच्छे से गलकर तैयार हो गए हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्रेवी और मसाला दोनों पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए सेम कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब मैं ये पनीर डाल देती हूँ। पनीर को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आप पनीर को बिना फ्राई करे भी डाल सकते हो और फ्राई करके भी डाल सकते हो। पनीर का इस तरह का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज लिया है और शिमला मिर्च को इस तरह से स्क्वायर शेप के अंदर काटना है और अंदर के सारे बीज निकालना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। प्याज की इस तरह से कली निकालनी है और अंदर का छोटा भाग बचता है वो फेंकना नहीं है, वो आपको ग्रेवी में यूज करना है। तो मैंने ग्रेवी में यूज कर लिया था। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च ऐड कर देती हूँ, इसको भी हल्का सा फ्राई करना है। अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ पनीर डाल देती हूँ। अब जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ मसाला। तीनों चीजों को मसाले में अच्छे से कोट करना है। मैंने थोड़ा सा मसाला बचा लिया है, ये बचा हुआ मसाला दोबारा काम आ जाएगा। मैंने ग्रेवी पीस कर तैयार की थी, ये ऐड कर देती हूँ। कढ़ाई पनीर को आयरन की कढ़ाई में बनाया जाता है। अगर आपके पास आयरन की कढ़ाई है तो आप उसी में बनाइए, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार होगा। ये धोकर ग्रेवी का पानी भी ऐड कर देती हूँ। आप इसे और क्रीमी बनाना चाहते हो तो इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल लीजिए। वैसे तो ये बिना क्रीम के भी बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर बनकर तैयार होता है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देती हूँ। नमक मैंने अभी तक बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने कलर के लिए डाली है, इससे कलर अच्छा आता है, ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो मिर्ची डाल सकते हो, वैसे तो मैंने पहले डाल दी थी। इस स्टेप पर थोड़ा सा गर्म पानी डालना है। मैंने सारे मसाले अच्छे से मिला लिया है। अब मैं ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट और पका लेती हूँ ताकि मसाले अच्छे से ऑयल छोड़ दें।
मैं आपको सब्जी खोलकर दिखा देती हूँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी शानदार बनके तैयार हुई है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, अभी से अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। हमारा कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं सर्व कर देती हूँ। ये लीजिए हमारा कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई पनीर को कढ़ाई के अंदर सर्व किया जाता है, मैंने सर्व कर दिया है। आप इसे चपाती, नान, परांठे किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मेरी सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी है। मिलते हैं फ्रेंड्स बहुत ही जल्द रेसिपी के साथ, तब तक बाय फ्रेंड्स।